by using the Bio Savart law to determine the strength of magnetic field due to the different current carrying elements. Different current carrying elements के लिए हम क्या करेंगे Bio Savart law use करके क्या करेंगे magnetic field का strength calculate करना है. ठीक है. So सबसे पहला जो हमारा article है वो है magnetic field at center of circular current carrying loop. आपके पास एक circular current carrying loop है और उस circular current carrying loop के center पर आपको क्या करना है magnetic field strength calculate करना. In the circular loop in the end, clockwise direction. Direction of current in loop is in clockwise direction. This direction is clockwise direction. So, to determine, now we are interested to find out the strength of magnetic field. At the center of this circular, हमें क्या calculate करना है? इस circular loop के center पर magnetic field का strength calculate करना. We should calculate strength of magnetic field at the center of this circular loop. So for that we are using Bio Savart law and determine the magnetic field strength at point O by using Bio Savart law. First we select a small current carrying element. Of length dl. हम क्या करेंगे Bio Savart law को use करना है तो हम क्या करेंगे इस पूरे circular loop का एक smaller current carrying loop element जो है वो select करेंगे of length dl. Now first we determine the strength of magnetic field at point O due to this smaller current carrying element. पहले इस smaller element की वजह से इस point पर कितना field strength होगा वो हम calculate करेंगे. So the strength of magnetic field at point O current carrying element of length dl is given by Bio Savart law and that is equals to dB mu naught I dl cross r upon 4 pi r क्या होगा mu naught I dl cross r upon 4 pi r. अब देखिए ये पोजीशन वेक्टर है तो कैपिटल R हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे तो dl into कैपिटल R. अब देखिए जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो करंट एलिमेंट है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री. देखिए हम ये जो करंट एलिमेंट आपको कर्व दिख रहा है हम
स्मॉल एलिमेंट है, तो कंसीडर क्या कर रहे हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो स्ट्रेट है और ये पोजीशन वेक्टर के साथ यानी आर के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, क्या बना रहा है 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 90 ले, क्या कैलकुलेट ले लेंगे 90। तो देखिए थीटा की वैल्यू हमने 90 ले ली, तो देखिए डीबी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई फोर म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर इंटू म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर इंटू साइन 90 डिवाइड बाय 4 बाय आर। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू 1, आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो डीबी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एट द सेंटर ओ। अब फील्ड जो है फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, देखिए ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्मॉल एलिमेंट जो है वो सीधा सा लग रहा है, तो अब हम कौन सा रूल यूज करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल, कौन सा रूल यूज करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। अब आप डीएल से आर जैसे आ रहे हैं, डीएल से वेक्टर आर क्लॉकवाइज आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, डीएल से आर का ट्रेवर्सिंग कैसे हो रहा है आवाज आ रहा है, मान्या आर्या तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप बोलिए
circular arc
की वजह से इस पॉइंट टू पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड
5 months ago.